मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप लोगों ने इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया। सोच के ही घर से ये चली थी कि गोल्ड ही लेके आना है, और जो ओलंपिक्स में तिरंगा झंडा मैंने लहराया था, मुझे एक बार फिर से वही फील करना है, और वो मैंने किया। काफी खुश हूँ मैं, और काफी अच्छा लगा कि इतने हमारे जो इंडियन थे वो हमें चेयर करने सपोर्ट करने यहाँ पे आए, और बड़ा अच्छा लगा। अभी ओलंपिक गोल्ड बचा हुआ है, जो भारतीय रेसलिंग में अभी हम जीत नहीं पाए हैं, उसमें सिल्वर भी है ब्रॉन्ज भी है, तो कोशिश है कि 2024 में हम उस कमी को पूरा करें। इतना प्यार और इतना सम्मान देशवासियों की तरफ से मिल रहा था, और बाहर के खिलाड़ी भी, बाहर के दर्शक भी इतना सपोर्ट कर रहे थे, तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप लोगों ने इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया है। सर बस लास्ट तक यही सोचती हूँ कि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है, जैसे ओलंपिक्स में भी लास्ट मैच था कि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है, ये लास्ट मैच है, मेडल हाथ में आ सकता है, और यहाँ था कि गोल्ड हाथ में आ सकता है। तो बिल्कुल 4-0 के बाद, डाउन होने के बाद भी मैंने दिमाग में एक बार भी ये नहीं सोचा कि तू इससे हार जाएगी, बस ये था कि कंटिन्यूसली अटैक करने हैं, और ओलंपिक्स में भी 10 सेकंड में भी मैंने अटैक्स किए हैं, तो यहाँ तो मेरे पास पूरा 3 मिनट था, तो मैंने किया। काफ़ी खुश हूँ मैं, और काफ़ी अच्छा लगा कि इतने हमारे जो इंडियन थे वो हमें चेयर करने सपोर्ट करने यहाँ पे आए, और बड़ा अच्छा लगा। मैंने जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो बिल्कुल नहीं लिया कि ये सब है, बस अपना फोकस किया कि अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, और जो भी मैं अपना गोल टारगेट लेके चला था अचीव करना है वो मैंने अपना किया जी। उसको तो उस लम्हे को तो मैं कुछ मतलब शब्दों में बता ही नहीं सकता, वो तो मतलब बड़ा प्राउड फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा।